हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है मृणाल घोष और मेरा यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे हम बहुत ही आसान तरीके से SBI लाइफ का वेबसाइट में लॉगिन करके SBI लाइफ पॉलिसी का पूरा डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते। सबसे पहले हमको कोई भी एक ब्राउज़र से गूगल पे जाना पड़ेगा। गूगल पे चला जाएंगे तो नीचे हमको सर्च बार दिखेगा, इस सर्च बार में जाना पड़ेगा। सर्च बार में जाके हमको लिखना पड़ेगा SBI लाइफ। तो हम क्या करेंगे, सर्च बार में जाके लिख देंगे SBI लाइफ। SBI लाइफ लिख के सर्च करने से पहला वाला जो लिंक आ जाएगा वही लिंक पर क्लिक करना पड़ेगा। तो देखिए इधर पहला वाला जो लिंक दिख रहा है www.sbilife.co.in, वही लिंक पर क्लिक कर देंगे तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी SBI लाइफ का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहला वाला लिंक क्लिक कर देंगे। तो देखिए इधर SBI लाइफ का वेबसाइट ओपन हो गया। तो इधर हमको राइट साइड में लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, वही लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो इधर पहला वाला जो ऑप्शन दिखेगा कस्टमर, वही कस्टमर ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। कस्टमर ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो ऐसा एक पेज आ जाएगा जिधर हमको दिखा रहा है कि SBI लाइफ माई पॉलिसी पोर्टल के बदले एक नया पोर्टल आ गया है, SBI लाइफ स्मार्ट केयर। तो पॉलिसी का डिटेल्स देखने के लिए उधर जाके लॉगिन करना पड़ेगा। तो उधर हम लॉगिन कर सकते हैं माई पॉलिसी का एग्जिस्टिंग यूज़र आईडी पासवर्ड से, या फिर हम रजिस्टर मोबाइल पे ओटीपी डाल के भी लॉगिन कर सकते हैं। तो हम अभी क्या करेंगे, अभी जो नीचे क्लिक हेयर का ऑप्शन दिखेगा वही क्लिक हेयर ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो स्मार्ट केयर का वेबसाइट में चला जाएगा। तो हम क्लिक हेयर कर देंगे तो देखिए इधर एक नया वेबसाइट ओपन हो गया। तो इधर नीचे हमको एक ऑप्शन मिल जाएगा गेट स्टार्टेड, वही गेट स्टार्टेड ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। गेट स्टार्टेड ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो एक नया पेज इधर ओपन हो जाएगा। तो ऐसा एक पेज आ जाएगा स्मार्ट केयर का। तो इधर भी हमको राइट साइड में ऊपर में लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, वही लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो लॉगिन का पेज आ जाएगा। तो हम लॉगिन कर देंगे तो देखिए इधर लॉगिन का पेज आ गया। इधर हम MPIN से लॉगिन कर सकते या फिर यूज़र आईडी से भी लॉगिन कर सकते। इधर नीचे हमको एक ऑप्शन मिल जाएगा लॉगिन वाया ओटीपी, तो रजिस्टर्ड मोबाइल पे ओटीपी देके भी हम लॉगिन कर सकते हैं। तो हम लॉगिन वाया ओटीपी ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। करने के बाद इधर हमको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, डालने के बाद जेनरेट ओटीपी ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो इधर हम मोबाइल नंबर डाल देंगे, मोबाइल नंबर डालने के बाद जेनरेट ओटीपी ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो रजिस्टर्ड मोबाइल पे ओटीपी आ जाएगा। उधर से ओटीपी लेके इधर डालना पड़ेगा, ओटीपी डालने के बाद नीचे हमको कैप्चा डालना पड़ेगा, ये दोनों डालने के बाद लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इधर पूरा फिलअप कर देंगे। तो देखिए इधर हम पूरा फिलअप कर दिया, अभी लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो लॉगिन हो जाएगा। तो देखिए अभी लॉगिन हो गया स्मार्ट केयर पे। तो इधर हमको नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिखेगा जिधर हमको एक ऑप्शन मिल जाएगा माय पॉलिसी, वही माय पॉलिसी ऑप्शन पे जाके हम पॉलिसी डिटेल्स देख सकते। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम माय पॉलिसी ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। माई पॉलिसी ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो मेरा जितना सारा पॉलिसी रहेगा सारे पॉलिसी हमको इधर दिखेगा। तो देखिए मेरा दो पॉलिसी है, दो ही पॉलिसी इधर दिख रहा है। तो इधर से हम पॉलिसी का पूरा डिटेल्स देख सकते। तो पॉलिसी नंबर का राइट साइड में हमको व्यू डिटेल्स का ऑप्शन दिखेगा, वही व्यू डिटेल्स ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो मेरा पॉलिसी का पूरा डिटेल्स हमको दिखेगा। तो देखिए इधर हमको पूरा डिटेल्स दिख रहा है। तो ऐसे ही हम बहुत ही आसान तरीके से SBI लाइफ पोर्टल में लॉगिन करके SBI लाइफ का जितना सारा पॉलिसी रहेगा सारे पॉलिसी का डिटेल्स हम देख सकते हैं। आई होप मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक ज़रूर करना और बहुत सारे शेयर करना, और मेरे को कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। और मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कोई नया वीडियो के साथ। जय हिंद।